जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट यानी पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह यानी सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।